अमेरिका के धरती से जोहार गांव वालों। तो यहां पर अमेरिका के मेरे ही शहर बॉस्टन में अभी हो रही है टिप टिप बारिश, और इस बारिश की बूंदों के बीच में मैं देने वाला हूं आपके सवालों का जवाब। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं और फिर बोलते हैं कि मैं जवाब नहीं देता हूं। तो मैंने सोचा आगे जो वीडियोस हैं बीच बीच में इस तरीके की वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो वीडियो को आप आज ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब दूँ और आपका नाम लूँ। तो चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पर। मैं आज 10 सवालों का जवाब दूंगा, हो सकता है कि ये सवाल आपके सवाल से मैच करे, इसलिए सुनना जरूर वीडियो को। इस वीडियो को बनाना जरूरी इसलिए भी था कि बहुत सारे जो गांव के दूर दराज गांव इलाके से जुड़े रहते हैं उनको लगता है कि मैं जवाब नहीं देता, तो भाई ये इंसाफी नहीं होगी अगर मैं जवाब नहीं दूँ। व्यस्तता रहती है, व्यस्तता के कारण जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबका, इसलिए इस तरीके की वीडियोज़ के द्वारा आपके कई सवालों का जवाब एक साथ दे पाऊंगा। तो पहला सवाल, मैंने चिट्ठा लिख के रखा हुआ है सबके सवालों का। तो पहला सवाल है यूनिक वीडियो एंड ब्लॉग्स नाम है इसका। अगर आप अपना नाम लिख दिया करें जब सवाल पूछते हो तो ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन अगर आपको सेफ महसूस होता है बिना नाम के तो भी ठीक है। तो सर वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी? मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो था अमेरिका में वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था। तो फीस कितनी लगेगी? फ़ीस लगेगी $160। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए J1, F1 इस तरीके की वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो तकरीबन $160 ही लगता है, जो कि आज की तारीख में, आज 30 मई 2023, 13,080 रुपये के लगभग। थोड़ा बहुत 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन तकरीबन इतना ही फीस लगता है। फिर अगला सवाल है नंद किशोर यादव का। H1B वीज़ा के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं या कंपनी का जॉब ऑफर लेटर ज़रूरी होता है? तो नंद किशोर और जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको बता दूँ कि आप डायरेक्टली H1B वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली H1B वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। H1B वीज़ा क्या वीज़ा है? वो जॉब का वीज़ा है, और उसके लिए आपको जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी होता है। तो कोई कंपनी होनी होगी यहाँ पर अमेरिका में जो आपको जॉब देगा पहले, चाहे वो लेबर का जॉब हो, प्रोफेशनल जॉब हो, या किसी तरीके का जॉब, और वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, तब आप H1B वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी वीज़ा के लिए कर सकते हैं लेकिन H1B वीज़ा के लिए नहीं कर सकते हैं। औरंगजेब आलमगीर साहब ने बोला है थैंक यू, तो बहुत उसने बहुत लंबा कमेंट किया थैंक यू बोलने के लिए, वीडियो से बहुत मदद मिलती है बोल के, तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और जैसे मैं अक्सर बार बोलते रहता हूँ कि सब सवालों का जवाब नहीं दे पाता, आप ईमेल करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेजते हैं, व्यस्तता है थोड़ी जीवन में, और अमेरिका में पता नहीं क्यों लाइफ इतना व्यस्त हो जाता है। इसीलिए ये मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी कि बीच बीच में आपके जो भी सवाल है मैं हर एक वीडियो जब डालूंगा उसमें आप बढ़िया सवाल करना, जो भी आपके कन्फ्यूजन कुछ भी सवाल, और मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा जो भी सही जवाब है, भले वो जवाब आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपको सही जानकारी मिले, तो वो मेरी कोशिश रहेगी। और बहुत बहुत सारा थैंक यू। और अगर आप इस तरीके की वीडियो से आपको जानकारी मिलती है तो प्लीज़ और दूसरे दोस्तों को, लोगों को जोड़ना, चैनल सब्सक्राइब करवाना और बेल आइकन को भी दबा दिया रहना। लंबे समय से व्यस्तता थी, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही थोड़ा रूटीनली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, हर हफ्ता एक दो नए वीडियोस आ जाएं। फिर एक और सब्सक्राइबर दोस्त है चंदन पाउडर, उसने बस बोला है कि बात कर लो। तो बात करना देखो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे मैंने बताया अभी पहले ही, लेकिन अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है या कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो वो ज़रूर कमेंट करना। और मैंने कहा कि अगर आपको एक घंटा बात करना है तो उसके लिए आपको 10 लोगों को जोड़ना होगा मेरे चैनल में, उससे मुझे पैसा नहीं मिलता है लेकिन ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचती है। और वैसे भी अगर आपके कुछ भी सवाल हो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइबर जोड़वाना ज़रूरी नहीं है। आप कमेंट में बहुत स्पष्टता से अपने सवाल लिख देना, और आने वाली वीडियोज़ में मैं हर हफ्ता इस तरीके का वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सवालों का डायरेक्ट जवाब दूंगा। फिर अगला सवाल है शानुराज सिन्हा का। भैया क्या अमेरिका में लड़कियों के पढ़ने के लिए सेफ है? जी बिल्कुल शानुराज, हालांकि मैं पुरुष हूँ तो मेरा ये कहना बिल्कुल 100% फेयर नहीं होगा कि क्या अमेरिका लड़कियों के लिए सेफ है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ और जितना मैं देखता हूँ यहाँ के सभ्यता को, यहाँ के समाज को, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, तो बहुत सेफ है। जितना सेफ लड़कों के लिए है यहाँ पर आके पढ़ना और जॉब करना, उतना ही सेफ लड़कियों के लिए है। हालांकि पूरी दुनिया जो है, चूँकि पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है हर तरफ, तो लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता है वो हर बार कई बार स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, लेकिन भेदभाव हर देश में, हर मुल्क में, हर गली मोहल्ले में होता है लड़कियों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आसानी से कर सकते हैं, जो लड़के लोग कर सकते हैं, जैसे भारत में
और लड़कियां नहीं कर सकती हैं ऐसा नहीं है। अमेरिका में वो सब काम कर सकते हैं, बस चला सकते हैं, हालांकि आजकल इंडिया में भी होता है, लेकिन कई सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे अधिकार उसी तरीके के हैं जैसे पुरुषों के। तो अगर आप लड़की हैं या सानू आपने जो सवाल पूछा है, बिल्कुल बेझिझक आप अपने बच्चों को, लड़कियों को आगे बढ़ाइए, उनको पढ़ने का अवसर दीजिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके, और वो सब काम कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं पुरुष लोग, और वो लड़कियां कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लड़कियों को इंकरेज कीजिए, और अगर आपके इर्द गिर्द में, आपके गांव में कुछ पढ़े लिखे हैं लड़कियां हैं जिनको सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए, वो पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करना। मेरे अपने स्तर पर जितना मदद हो सकता है मैं वो करने की कोशिश करूँगा, उनको आगे बढ़ने पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत जो भी सहायता हो सकता है अपने तरीके से। फिर सवाल नंबर चौथा है, वैसे 10 सवालों का जवाब दूंगा, तो वीडियो में बने रहना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए रहना। तो अगला सवाल जो है वो KKB का है, क्या वहाँ खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं अमेरिका में। KKB ने जो सवाल पूछा है बहुत बढ़िया सवाल है, उसका जवाब थोड़ा लंबा होगा लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिलहाल लंबे जवाब के लिए मेरे चैनल में और वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसमें देखना, या फिर मैं इसको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सवाल पूछेंगे उन सवालों में से किसी का जवाब लंबा होगा तो मैं उस पर अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये जवाब देने वाले वीडियोस में मैं सिर्फ शॉर्टकट जो सवाल होगा उसका जवाब शॉर्टकट में दूंगा, ठीक है, बाकी डिटेल में और बात होती रहेगी। बिजनेस का मसला नहीं है कि क्या आप यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है, दिक्कत ये होती है कि आप यहाँ पर आएंगे कैसे। पहले तो आपको यहाँ आना पड़ेगा अमेरिका में, तभी ना जैसे किसी के घर में, गांव में, कहीं पर भी कुछ बिजनेस कर सकते हो, कुछ दुकान खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उस आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, और वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है अमेरिका का। तो आपके सवाल का जवाब है कि बिज़नेस बिल्कुल शुरू कर सकते हैं लेकिन पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। हालांकि जब बिज़नेस शुरू करोगे तो उसके लिए बहुत यहाँ पर लीगल लोचा रहता है, इतना आसान नहीं होता है, तभी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, छोटे छोटे दुकान वाले, छोटे छोटे बिजनेस वाले कम एग्जिस्ट कर पाते हैं इस अमेरिका के सोसाइटी में। उसका कारण वही है कि इतने सारे नियम हैं, इतने सारे, आपको जैसे कहीं पर भी यहाँ पर ठेला नहीं दिखता है, पान का ठेला कि छोटा सा दुकान, किराना दुकान या ऐसे कुछ, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है स्टेट से, राज्य से, तो थोड़ा लंबा रहता है। बट किसी बिजनेसमैन की दुकान में मैं जाके एक्चुअली मैं उनका प्रोसेस किसी दिन अपने वीडियो में साझा करूँगा ताकि आप उनके शब्दों में पूरी प्रक्रिया को समझ सके। बट निश्चित रूप से आप छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वैसे बड़ा बिजनेस आप यहाँ पर करेंगे तो आपको डायरेक्ट वीज़ा भी मिलता है, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड भी मिलता है, उसके बारे में अलग से वीडियो है मेरे चैनल में। 12th क्वालिफिकेशन है और मेरा इंग्लिश वीक है, तो क्या अमेरिका में जॉब मिल सकता है? ये सवाल है निशार गुप्ता का। तो देखो, अगर अमेरिका आ रहे हो या फिर किसी भी दूसरे देश में जा रहे हो तो इंग्लिश का आना अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरीके से ज़रूरी होता है, वो तुम्हारे करियर के लिए बेहतर साबित होगा। खासकर जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, मतलब जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट राज्यों से आते हैं, तो उनका इंग्लिश तो जाहिर सी बात है कमज़ोर रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा था, तो धीरे धीरे आप उस माहौल में रहते हैं तो सीख जाते हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए कि अंग्रेज़ी के कारण आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपके अंदर स्किल होना ज़रूरी होता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो स्किल आपके अंदर है, फिर भाषा धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। अंग्रेजी के कमज़ोरी को लेकर उसको बार बार अंग्रेजी कमज़ोर है ऐसा मत सोच रहे हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आता जाएगा। फिर सवाल नंबर 6 या कमेंट जो आपने किया था नगेश ने, क्या आईलेट्स लेबर जॉब के लिए ज़रूरी है? वैसे अमूमन तौर पर आईलेट्स या टोफेल तब लिया जाता है जब आपकी भाषा अंग्रेजी नहीं हो, आपकी मुख्य भाषा जो है, तो आप चाहे पढ़ने के लिए आ रहे हो चाहे जॉब करने के लिए आ रहे हो, तो डिपेंड करता है कि कौन सा जॉब के लिए आ रहे हो, ठीक है। पढ़ने के लिए आ रहे हो तो निश्चित रूप से आपको लेना पड़ता है, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर स्थिति में लेना ही पड़ता है स्टूडेंट के रूप में आ रहे तो। लेकिन जब काम करने के लिए आ रहे हैं, अगर आपको कोई कंपनी यहाँ स्पॉन्सर कर रही है किसी भी काम के लिए, अगर वो जैसे कोई कंपनी है अमेरिका में, वो बोलती है कि ठीक है आप यहाँ खाना बनाने के लिए आ जाओ, वो आपको लाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो उसके लिए आपको आईलेट्स या टोफेल लेना ज़रूरी नहीं होता। तो लेना अच्छी बात रहेगी, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक सवाल है लेबर जॉब के लिए, तो लेबर जॉब मिलना मुश्किल होता है भारत से यहाँ अमेरिका में। अगर आपका कोई कनेक्शन है यहाँ के कंपनी से या किसी भी तरीके से, तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर उसके लिए अनिवार्य नहीं होता है लेबर जॉब के लिए। सवाल नंबर 7 या कमेंट नंबर 7 वो है सुपर कैमरा का। ये नाम है आपका यूट्यूब का आईडी है, तो आपका नाम क्या है वो बता देना अगर आप सुपर कैमरा है तो। सुपर कैमरा ने सवाल पूछा है कि क्या F1 वीज़ा के साथ रिमोट जॉब कर सकते हैं?
F1 वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा है जो यहाँ अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए है, जो बैचलर्स करने मास्टर्स की डिग्री यहाँ हासिल करने के लिए आते हैं तो F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, J1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो F1 एक स्टूडेंट वीज़ा है, तो F1 स्टूडेंट वीज़ा में आप यहाँ पर अमेरिका में काम कर सकते हैं कैंपस के अंदर में, जैसे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आते हैं, MIT में आते हैं तो उसके अंदर में काम कर सकते हैं। जब वहाँ पर गर्मी की छुट्टी हो या जब भी बीच में ब्रेक होता है तो आप काम कर सकते हैं, ऐसे दिनों में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिट होता है कि कितना काम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है रिमोट जॉब मतलब घर बैठे कंप्यूटर में करने वाला जॉब, तो उसके लिए वो बहुत स्पेसिफिक है, वैसा कोई उसका नियम नहीं होता है, डिपेंड करता है अगर आप जिस विषय में रिसर्च कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ है, कैंपस के अंदर में है, डिपेंड करता है वो कहाँ पर है ना वो जॉब, तो वो डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक उसका आंसर शॉर्टकट में ये है कि कर सकते हो रिमोट जॉब, लेकिन वो जो जॉब कर रहे हो वो उसी विषय से संबंधित, जो विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसी कैंपस के अंदर के बैकग्राउंड का हो, ठीक है, तो कर सकते हो। सवाल नंबर 8 है JS गेमिंग का, 10 क्लास में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो मार्क्स का ये जो लोचा है ना, ये बड़ा तामझाम फंसा रहता है, खासकर इंडिया में तो मतलब वो गली मोहल्ले में भी लगा दिए जाते हैं पोस्टर, मेरे बेटे ने इतना नंबर लाया है, उतना नंबर लाया है, उधर नव भारत पेपर में छपवाते हैं इधर उधर, तो ऐसे ना इधर नौटंकी नहीं होता है, पता नहीं वो क्या है, मैं तो कभी टापर नहीं था तो मेरा फोटो पे छापा नहीं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ कितना नंबर तुम पाते हो, और ज़रूरी होता है कि उस नंबर के अलावा आपने क्या हासिल किया है। सिर्फ नंबर लाने से 90% भी ला दोगे तो इंडिया में क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने रटा ज़्यादा बेहतर था, ठीक है, डिट्टो का डिट्टो लिख देते हैं जैसा कुंजी में लिखा है, परीक्षा पत्र में लिखा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कितना नंबर है। तो ये नंबर का ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं बाहर में, खासकर विदेश में, तो इसको निकाल दीजिए, ये जो नंबर को बना के बैठे ना कि इतना प्रतिशत आना ज़रूरी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। चाहे आपका 60% भी आए, 55% आए, तो भी आप बेहतर कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। तो जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र में बहुत काम कीजिए मेहनत से, बजाय कि नंबर पे फोकस करने की कितना परसेंटेज आया था, वो बाद में कोई नहीं पूछेगा लाइफ में आपने कितना परसेंट आया था। वो ये पूछेंगे कि अगर आप ये पानी का बोतल बनाते हैं, वैसे प्लास्टिक का पानी का बोतल मत यूज़ किया करो, ठीक है, तो अच्छी बात होगी इस पर्यावरण के लिए। तो उस तरीके का वाटर बॉटल बनाते हैं तो ये नहीं पूछता कोई कि भाई कितना परसेंट आया था इस बॉटल को बनाने वाले का, नहीं तो पूछते ना कि आप कुछ भी आप के घर में सामान होता है तो टीवी ले जाते हैं, पूछते हैं क्या किसने बनाया था इसको, भाई कितना परसेंटेज था। तो ये सब ना गली मोहल्ले में ऐसे फोटो लगवाने वाले चक्कर में मत पड़ना आप, ठीक है भाई साहब, तो निकाल दो उसको, परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 9 जो कि कमेंट आया था ये भी पटेल ध्रुविल का, प्लीज़ गिव मी सजेशन दैट विच डिग्री इज हाईली पेइंग जॉब आफ्टर 12th, साइंस कर किया है उन्होंने। तो ध्रुविल पटेल और जो भी जिनका भी ये सवाल हो सकता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा जॉब कौन सा, हाई पेइंग जॉब कौन सा, अगर आपने साइंस की पढ़ाई की है आने वाले समय में, तो ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ जितना मैं समझता हूँ आज के मार्केट को, क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो शिक्षा या सीखने के लिए नहीं होता है दुर्भाग्य से, ये सिर्फ एक बिजनेस है, एक मार्केट है। तो आपको बिजनेस को ना इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। आपको अगर सीखना है, कुछ जानना है, तो समाज में जो पिछड़े लोग हैं किसी भी तरीके, जातिगत तरीके से या फिर किसी अन्य तरीके से, तो आपको वहाँ जाके गली में सीखना होता है। अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो प्रकृति सीखना चाहते हो तो प्रकृति में जाके देखो, रहो। लेकिन स्कूल जो है आजकल का स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, वो सिर्फ एक बिजनेस है। तो बिजनेस में राइट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। सही क्या है नहीं है वो सबका अपना एक अलग इंडिविजुअल दृष्टिकोण हो सकता है। तो मुझे उस हिसाब से लगता है कि अभी फिलहाल अगले 10 साल तक 15 साल तक 20 साल तक कंप्यूटर का समय है। अभी कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी डिग्री डिप्लोमा कर लो, मुझे लगता है IT में बहुत बढ़िया स्कोप है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो निश्चित रूप से बड़ी आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है अभी के समय में। अगर आपने IT किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी बहुत अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उसके बारे में कल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा ब्रांचेस का डिमांड फिलहाल ज़्यादा है अमेरिका में। लेकिन आप सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी देशों में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी अभी फ़िलहाल IT का बहुत बहुत स्कोप है। उसके अलावा और बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बैचलर साइंस, अगर आपने बायो वाला साइंस किया होगा तो जाहिर सी बात मेडिसिन बेहतर फील्ड है, उसमें नर्सिंग का हो गया वो बहुत डिमांड में रहता है, डॉक्टरों का तो हमेशा रहता ही है, यहाँ पर बहुत कमी है। तो डिपेंड करता है आप अगले बार स्पेसिफिक तरीके से लिखना, बायो का बोल रहे हो कि मैथ्स का बोल रहे हो। तो मैथ्स का अगर है तो मैं इनकरेज करूँगा कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखो।
आज के इस वीडियो में एक बोनस टिप्स ये जरूर देना चाहूंगा, जो भी सवाल के मैं जवाब दूंगा वो सवाल के जवाब वाले वीडियोस में एक बोनस टिप्स मैं अपने अनुभव से दूंगा, वो आपके काम आ जाए तो रख लेना। वो ये है, अगला सवाल, सवाल नंबर 10 जो कि आपका कमेंट था पवन कुणाल का। इनका सवाल है, क्या अमेरिका में टेक्निकल जॉब मिल सकती है? बिल्कुल 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 मिल सकती है। अमेरिका तो गढ़ रहा है टेक्निकल चीज़ों का, यहाँ पर ही तो औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति जब यहाँ हुई थी तो अभी भी स्कोप है, यहाँ पर बहुत है, बहुत ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास टेक्निकल स्किल हो और आपको जॉब नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है टेक्निकल स्किल ही मैटर करेगा बजाय कि तुम्हारे एजुकेशन के, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, या कोई भी जो स्किल होता है, जो टेक्निकल स्किल है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉलेज करने के बजाय कोई टेक्निकल स्किल का जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, या उस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ जॉब एक ही तरीके का नहीं होता ना कि अमेरिका में जॉब मिला या फिर कोई एक कंपनी जॉब देगी। टेक्निकल स्किल जब आपके पास होता है तो आप खुद चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, चीज़ों को आविष्कार करते हैं, पैदा करते हैं। तो अगर आप यंग हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, हालांकि एज मैटर नहीं करता है, यंग है तो ये हौसला बनाना ज़रूरी होगा अपने अंदर कि टेक्निकल स्किल जो है उससे आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अमेरिका में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सा टेक्निकल स्किल है, कब से कर रहे हो ये काम, और उससे आपको क्या क्या हासिल हुआ है, क्या आपको जॉब मिला है, नहीं मिला है। कि आप सिर्फ किसी एक देश के प्रति या एक कंपनी के प्रति वफादार टाइप का बस मत रहिए कि मुझे इस कंपनी के लिए ही हमेशा काम करना है इस तरीके से, क्योंकि वो समय नहीं रह गया है जब आप एक कंपनी के लिए लगातार अपना पूरा जीवन दे देते थे और वो आपका टेक केयर करते थे। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है इस पूंजीवादी व्यवस्था में। इसलिए आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप कहीं काम कर भी रहे हैं तो वहाँ पर भी आप नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखते रहो, रिसर्च करते रहो, और रिसर्च करने में थोड़ा सा मेहनत करो। ऐसे खाली बैठ के सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहने से बहुत कुछ होता नहीं है। मनोरंजन के लिए करते हो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं, पिछड़े तबके से हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना होगा, ज़्यादा समय बिताना होगा, और आखिर में आपके पीछे और कोई आएगा नहीं जब तक आप खुद अपने आप को आगे लेके जाएंगे नहीं। तो अपने आप को धक्का देने के लिए खुद के अंदर बहुत सारी मेहनत करनी होती है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के समाज के लिए, या जिसके लिए भी करना चाहते हो। तो प्यारे दोस्तों, चलो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आई होप कि आपके कुछ सवाल थे उसका जवाब दे पाया होऊंगा, अगर नहीं तो आगे भी जवाब देता रहूँगा। बाकी मिलेंगे अमेरिका की कुछ नई जगह को दिखाते हुए, यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में देते रहने की कोशिश जारी रहेगी। बाकी आपके गांव में कैसे मौसम है तो कमेंट करते हुए जाना, इधर तो झमझमा के बारिश होने वाली है अभी।